गाइस ये है एक जादुई तेल, इसकी लगाते ही बाल आपके ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे घने होंगे और आपके बाल हमेशा ऐसे काले बने रहेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी इस जादुई तेल को अपने बालों में लगाएंगे तो यकीन मानिए एक ही बार में आपके बाल हमेशा के लिए इतने घने हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके बालों की जड़ें एकदम से कमजोर हो गई हैं, आपके बाल बढ़ने का नाम नहीं ले पा रहे, आपके बाल थोड़ी सी ग्रोथ करके वहीं पर रुक गए हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ही लंबे घने लहराते हुए सुंदर दिखे, तो आज की रेमेडी बहुत ही सिंपल इजी है। इसके यूज से आपके बाल इतनी तेजी से ग्रोथ करेंगे, इतनी तेजी से घने होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर इस पेस्ट के जरिए आपके बाल इतने ज्यादा घने लंबे हो सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम ना ले तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। आपने जैसे कि देख ही लिया होगा कि आज मैं इन दो चीजों के जरिए बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों को घना बना सकते हैं। और अंडे के यूज से फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि आपके बालों में से किसी तरह की स्मेल आती है, बदबू आती है जो कि आप सहन नहीं कर पाते, तो आज आपको अंडे को कुछ इस तरह से यूज करना है कि इसके कारण आपके बालों में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ पाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको सबसे पहले करना क्या है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको आलू का छिलका उतार लेना है और अब आपको लेनी है एक क्लीन प्लेट और इसमें आपको इस आलू को कद्दूकस कर लेना होगा। इस तरह से आप आलू को कद्दूकस कर लीजिएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आपको करना यह है कि आपको लेना है एक क्लीन बाउल और चाय छलनी की मदद से आपको इस कद्दूकस किए हुए आलू को इसमें डालना है और इसका पूरा रस निकाल लेना है। देखिए इतनी मात्रा में आपके पास इसका स्टार्च निकल कर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो नीचे व्हाइट कलर का है इसे स्टार्च कहा जाता है, जो हमारे बालों में लगने के बाद बालों की जड़ों को तेजी से घना बनाने का कार्य शुरू करता है। अब आपको लेना है एग। एग में फ्रेंड्स आप एक छोटा सा छेद कर लीजिएगा। इस तरह से आपको एक होल बना लेना है। ज्यादा बड़ा छेद करने से फ्रेंड इसका येलो पार्ट भी इसमें निकल आएगा और हमें येलो पार्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड जब भी हम अपने बालों में एग लगाते हैं तो हमें अपने बालों में येलो पार्ट को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके यूज से फ्रेंड्स हमारे बालों में से स्मेल आती है, बदबू हो जाती है। अगर आप इसका ओनली व्हाइट पार्ट लगाएंगे तो ये आपके बालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आपको मात्र इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है कोकोनट ऑयल। आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र 2 चम्मच नारियल के तेल ऐड करना होगा। देखिए गाइस, मैंने इसमें सभी चीजों को ऐड कर दिया है, मात्र आपको इन 3 चीजों का है यूज अपने बालों में करना है। अब आपको करना यह है इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद जब भी आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो देखिएगा आपके बालों की हेयर ग्रोथ कैसे तेजी से घनी होने लग जाएगी। और फ्रेंड जब भी आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर जो स्टार्च है वो काफी गाढ़ा होता है जो एकदम से तली में बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने पूरे बालों में लगाइए, बालों की जड़ों की लगभग 5 से 7 मिनट की मसाज कीजिए और उसके बाद आप अपने इसे
सिरे से लेकर एंड तक पूरे बालों में लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड, अगर आपके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से झड़ते जा रहे हैं, बेजान हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो फ्रेंड्स वीक में दो बार इसका जरूर यूज करना होगा आपको। इसके यूज से आपके बाल तेजी से ग्रोथ करेंगे, तेजी से घने होंगे और बालों की जड़ों की सारी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसके यूज करते रहने से आपके बाल कभी भी बुढ़ापे में सफेद नहीं हो पाएंगे, यानी कि फ्रेंड्स आप बुढ़ापे में भी हमेशा जवान बने रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सफेद बाल होने से हर कोई आपको कहने लग जाता है कि आप बूढ़े हो गए हैं। तो गाइस, अगर आपके बाल हमेशा काले बने रहेंगे तो आप एकदम जवान भी दिखाई देंगे। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो गाइस जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।